नमस्कार, स्वागत है आपका रणभेड़ी एट द रेट 2022 में। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है। इसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं, नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। आज हम आपको मुरादाबाद के सदर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अंधेरी 2022 में हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। मुरादाबाद की पहचान पीतल की चमक से होती है, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी पहचान बहुत ही फीकी पड़ गई है, क्योंकि ज्यादातर उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और व्यापारियों के हालात बदहाल हो गए हैं। हालांकि अब धीरे धीरे पटरी पर सब कुछ वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ की जनता 2022 के लिए क्या सोच रही है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इशारों ही इशारों में कई सवाल भी पूछ रही है। मुरादाबाद के दिल में क्या है, कौन होगा मुरादाबाद का किंग, महंगाई की मार जनता बेहाल, क्या फिर खिलेगा कमल, कौन किस पर पड़ेगा भारी, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक, विधायक जी ने क्या किया। मुरादाबाद शहर का अपना इतिहास बहुत पुराना रहा है, दुनिया में पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद जनपद का अपना राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। कारोबार के जरिए दुनिया में अपने हुनर का डंका बजाने वाले शहर को आज भी सोने की चमक के लिए पीतल की वजह से जाना जाता है। मशहूर शहर जिगर मुरादाबादी से लेकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मज्जू खां हो या फिर सूफी अंबा प्रसाद से लेकर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धाक जमाने वाले पीयूष चावला, हर किसी को इस शहर की जमीन ने भरपूर प्यार दिया। विधानसभा चुनाव के रण के लिए पीतल की नगरी एक बार फिर तैयार होने लगी है। वर्तमान में 6 विधानसभा सीटें जनपद के खाते में है, जिसमें 4 सीटों पर सपा का कब्जा है और 2 सीटें बीजेपी के खाते में है। यानी यहां पर समाजवादी पार्टी की जबरदस्त पकड़ है। मोदी लहर में जहां अच्छे अच्छों ने पसीना छोड़ दिया और उस समय 4 सीटें निकलना किसी अजूबे से कम नहीं है, तो मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा और पीस पार्टी के खाते में एक एक सीट आई थी। आइए एक नजर डालते हैं 2017 के विधानसभा सीटों पर कौन किस सीट पर कब्जा किया था। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, ठाकुर द्वारा नवाब जान, ठाकुर द्वारा समाजवादी पार्टी, काट राजेश कुमार सिंह, चुन्नू काट बीजेपी, बिलारी मोहम्मद फहीम बिलारी सपा, मुरादाबाद शहर नीतीश कुमार गुप्ता भाजपा, मुरादाबाद ग्रामीण हाजी इकराम कुरैशी समाजवादी पार्टी, पुनर्की मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद ग्रामीण का धार्मिक जातिगत समीकरण। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर पढ़ने के कारण अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में उलट इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक परिवहन की ठीक ठाक सुविधा उपलब्ध है। मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल्य मानी जाती है। यहाँ 55% मुस्लिम और 45% हिंदू मतदाता है। मुस्लिम मतदाता में अंसारी मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, वह हिंदू मतदाताओं में वैश्य और ठाकुर मतदाता प्रभावी भूमिका में है। 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये सवाल तो जनता के दिल में छुपा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि विधायक जी के करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो दूसरी तरफ स्थानीय निवासी जिन्हें रोजी रोटी, सड़क, खड़ंजा और पानी से उनको सरोकार होता है, वे साफ साफ बदलाव की बात करते हैं। महंगाई की मार से पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लिहाजा किसी भी विधानसभा में आप जाएं, सबसे पहले यही सवाल है, महंगाई की मार। सही मायने में यही सरकार अच्छी लगी, क्योंकि इसने गरीबों के हित में, किसानों के हित में, और जहां तक मेरे नज़रिया हर तरीके से ये सही अपने काम में खरी उतरी है। हर एक व्यक्ति जो है परेशान है महंगाई से, राशन पानी से परेशान है, और सरकार के जनता जो है नहीं चाह रही है सरकार को, इतनी महंगाई बढ़ी है, तेल डीजल पेट्रोल सभी जो है महंगाई काफ़ी बड़ी हुई है और किसी पर अगर रोक नहीं लग रही है। हम चाहते हैं बदलाव हो। किस तरह का बदलाव, क्योंकि इन्हों बीजेपी के लोग लड़के आजकल नौजवान आते हैं लाल गमछा डाल के और थाने में बैठ जाते हैं, और ऐसो
के अगर कुछ कहे, एसओ साहब को अगर कुछ कहें तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस तमाशाबीन होती है और आम जनता की कुछ सुनी ना रहा। विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास तो साहब आप खुद देख रहे हो, जहाँ देखो हमारे यहाँ की सड़क तो जब हमने देखी है जब छोटे थे तब भी टूटी हुई थी, आज भी टूटी हुई है। बीजेपी की सरकार ने कुछ करके नहीं दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि समाजवादी आनी चाहिए, कारोबार भी अच्छा चलेगा और सबके वही है, दुकान में भी और कारोबार भी सबके चल जाएंगे। पैसा नहीं है, पब्लिक पे पिटा पड़ा सारा कारोबार, हिंदू भी मुसलमान भी सिख ईसाई सब पिटे हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट था थी तो उसमें बहुत अच्छा कार्य होता था, बहुत अच्छा, और लैपटॉप वितरण हुआ और ये आपका गरीब मजदूरों को पेंशन भी मिलती थी, बहुत कार्य होते थे। इस सरकार में बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा है। विधानसभा जी, विधानसभा 28 है ये हमारी, तो ये समाजवादी के पूर्व विधायक थे, अब वो हार गए थे। अब जो हैं यहाँ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं रितेश गुप्ता, तो उन्होंने तो कोई कार्य नहीं कराया। तो दूसरी तरफ वहाँ मौजूद स्थानीय स्तर के नेता आरोप केवल लगा रहे हैं और अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, हालात जिस तरीके के हैं उसे जनता समझ रही है और अंदर खाना जनता के पास जो हालात हैं वो जनता की समझ में आ चुके हैं। जनता एक अच्छी सरकार चाहती है, विकासशील सरकार चाहती है और जनता चाहती है कि जो सरकार आए उसके फैसले अच्छे होने चाहिए, जनता के हक में होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बर्बादी के एजेंडे पर काम कर रही है। कोई भी शोभा आप ले लो, किसानी ले लो, काश्त का आपका सनदी कारोबार का मामला ले लो, या आप आम दुकानदारों को ले लो, कोई भी या किसी व्यापारी को ले लो, छात्रों को ले लो, किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी हम कहीं चर्चा कर सकें। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बर्बादी का काम किया है। आप सरकार में क्या विकास हुआ है, हमारे इससे पहले सरकार रही हमने क्या विकास किया है, ये भी जनता जानती है, इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, मुरादाबाद सिटी के अंदर देखिए, बाहर देखिए, रोडों पर गड्ढे कितने हैं, चलना दूभर है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। विकास की तो आप बात छोड़ दीजिए, आप पुलिस प्रशासन में कोई भी हो जो सहयोग मिलता अलग चीज़ है, अदरवाइज़ सरकार की तरफ से पब्लिक को कोई भी सहूलत कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। पूरे देश में पीतल की चमक से अपनी धमक बनाने वाला मुरादाबाद जिले का व्यापारी अभी भी कोरोना के मार से उभर नहीं पाया है और जीएसटी की मार की दुहाई दे रहा है। कारोबार की स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई, इधर जीएसटी भी है और भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, तो इसलिए ज़्यादा कारोबार भी अच्छा नहीं है। एक नज़र मुरादाबाद, पीतल मजदूरों की बदहाली, शहर में लगने वाला भयंकर जाम, गोविंद नगर ओवरब्रिज, बिजली की अघोषित कटौती, पीतल की भट्टियों से निकला धुआं और उससे होने वाली बीमारियों की दस्तक, बरसात के मौसम में जलभराव, खराब सड़कें, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, छात्राओं के लिए सरकारी विश्वविद्यालय का न होना, मुरादाबाद सपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें सपा के कब्जे में हैं और 2 बीजेपी के, लेकिन सभी विधानसभा का बहुत बुरा हाल है और जनता बेहाल है। जाम, सरकारी स्कूल, टूटे सड़कें इनकी पहचान है जो कि आम बुनियादी सुविधाओं में शामिल होनी चाहिए। 2022 के रण में जनता दोबारा इनका मौका देती है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया, कौन किस पर पड़ेगा भारी, मुरादाबाद का कौन होगा किंग। आपको बता दें कि मुरादाबाद को सपा का गढ़ माना जाता है, यहां पर 4 सीटें सपा के पाले में है और 2 सीटें भाजपा के पाले में है। हमने जनता से यहां पर जाना, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि यहां की जनता का क्या मन है, क्या चाहती है, मिला जुला असर देखने को मिला। यहाँ की जनता कुछ सरकार से खुश है तो कुछ नाखुश भी नजर आ रही है, महंगाई की मार से जनता जरूर बेहाल नजर आ रही है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर खिलेगा कमल या लोग परिवर्तन का रुख जरूर अपनाएंगे, कौन किस पर पड़ेगा भारी, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे हैं विधायक, ये हम जानेंगे जनता का मूड और आपको भी बताएंगे कि मुरादाबाद की जनता क्या सोचती है। और सवाल यही है कि आखिर विधायक जी ने क्या किया और मुरादाबाद के दिल में क्या है। मुरादाबाद की पहचान पीतल की चमक से होती है, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी पहचान बहुत फीकी पड़ गई है।
क्योंकि ज्यादातर उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, व्यापारियों के हालात बदहाल हो गए हैं। हालांकि अब धीरे धीरे पटरी पर सब कुछ वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ की जनता 2022 के लिए क्या सोच रही है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इशारों ही इशारों में कई सवाल भी पूछ रही है, जैसे कि बढ़ती महंगाई से जनता बेहाल नजर आ रही है। सवाल ये है, विधायक जी ने क्या किया यहाँ पर? सड़कों को लेकर लोगों की बहुत समस्याएं हैं, यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर बहुत समस्याएं हैं, यहाँ पर तमाम और भी दिक्कतें हैं। जनता का मूड हम जानेंगे, जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है, जनता बेहाल है। और हमारे साथ मुरादाबाद विधानसभा से अरहम अली लगातार जुड़े हुए हैं। अरहम से हम जानेंगे जनता का क्या मूड है, जनता क्या 2022 में चाहती है, किन मुद्दों के साथ वो अपना उम्मीदवार चुनेगी, किन मुद्दों के साथ वो अपना विधायक चुनेगी, ये तमाम बातें हम अरहम से जानेंगे। अरहम, सबसे पहले मुरादाबाद की जनता के दिल में क्या है, क्या है जनता का मूड? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जनता यहाँ मौजूद है और हम जनता से बात करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, अलग अलग कुछ संगठनों से भी आए हैं, राजनीति से आए हैं और संस्थाओं से भी आए हैं, और जनता भी है हमारे साथ, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद खानी है। जी, अगर बात करी जाए मुरादाबाद के व्यापार पर तो क्या कहेंगे आप? मुरादाबाद का व्यापार बेसिक हैंडीक्राफ्ट है और आर्टिजन बहुत मुरादाबाद है। यहाँ पे व्यापार न हो पा रहा है, न कोई फैसिलिटी मिल पाई है। सरकार ने जो इलाज किया है वर्कल पे कोई नहीं है। चाहे आप व्यापारी की बात से बात करें, आर्टिजन की बात, मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, किसी भी जगह बात करते हैं, आज ये नहीं कह सकते आपको ये लाभ मिला है। कोरोना काल को कहें माने, नोटबंदी को माने, या सरकार की विफलता को हम माने, एक हम उस दायरे में खड़े हैं कि जहां आज हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं का रीजन कहा है। मुरादाबाद में सोचना चाहिए था, जो अच्छी होनी चाहिए थी। मुरादाबाद में मार्केटिंग सेंटर बनता, मुरादाबाद में एक्सपो मार्ट की आवश्यकता, मुरादाबाद में मंडियों की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पूरी तरफ से अगर मानूं तो सरकार की कहीं ना कहीं है, और सरकार ने अगर चाह भी है तो कहूंगा कि अधिकारियों ने ना दूसरे कांत डाल दिया, वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि बहुत। तो कहने का मतलब आपका ये है व्यापार कुछ नहीं हुआ, किस तरह की सरकार चाहते हैं व्यापार को लेकर कहेंगे तो आप बताइए। साहब, मैं एक बात जानता हूँ, सरकार वो अच्छी जहाँ भाईचारा हो, खुलूस हो, अफायत हो, तरक्की हो, रोजगार हो, उसके अलावा आपके शहर में विकास धारा बहे, वहाँ आज तो देश का भी सुकून होता है। आज उन करोड़ों रुपए से क्या फायदा, क्या बनता पति घर पे जा रहा है, तो है कि कहीं पे कुछ जाए, वहां पे एक आम कार्यकर्ता में ये ना डरे कि यार दंगा फसाद नहीं हो जाए, माहौल को नफरत से हटा के इतना प्यार मोहब्बत भरोसे कहो कि अगर कहीं पे रात को है तो वो किसी से जाए, हर तरह की सूचना की उसका एलिमेंट उसको अंदर डाला जाए, और एक स्वच्छ सरकार हो तो आग आधारित हो और कारोबार को बढ़ावा देने वाली हो, आपस में प्यार मोहब्बत देने वाली हो, रोजगार को बढ़ाने के लिए भाषण और स्कीम का इतना ना हो बल्कि प्रॉपर हो। इससे बड़ी फ्रीडम ना चाहोगी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मुरादाबाद एक मंडल कुछ है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट का नहीं, आप उस पर रोजगार की बात, यहाँ पे अगर एक कभी बनाया गया था कि है वो उसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमें अगर कोई चाहे भी हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मसाले की लगाना चाहते हैं, फ्लोर लगाना चाहते हैं, चमड़े का कारोबार करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई जगह है नहीं। मजबूरी में या तो हमें उत्तराखंड या फिर दिल्ली जाए या हम शहर में जाए, प्रॉपर मुरादाबाद में।
जी मैं आपको बता दूं कि आपने बात सुनी होगी कि कहने का मतलब ये है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि व्यापार नहीं है, अगर स्टेट से बाहर जाएंगे तो व्यापार है, व्यापार या तो कह नहीं सकता, सरकार बदलने की पूरी संभावना है। आइए हमारे साथ आराम। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि विधायक जी ने क्या किया है, लोगों से पूछिए कि यहाँ के जो विधायक है क्या वो उनको जानते हैं, क्या वो जमीनों पर जमीनी हकीकत जानने के लिए कभी जनता के बीच गए हैं, क्या उनकी समस्याओं को सुनते हैं वो? जी हम बात करेंगे जी, क्या नाम है विधान जी? आपके विधानसभा में जो विधायक है आपकी समस्या सुनते हैं, आते हैं, जाते हैं, चल सकते हैं? जब गवर्नर उत्तर प्रदेश आए थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा था, यहाँ का व्यापार था, छोटा व्यापार, अरे पूजा के आर्टिकल तो उसको कोई भी नहीं होता था, मगर हमारी जो सरकार आई हमें बड़ी उम्मीद, हमारे जो पूजा के आइटम है तो घंटी जो हमारे मंदिर में इस्तेमाल होने प्रश्न है, जो केला दीप है, बहुत सारे दिए हैं, ज्योति है, उन पे टैक्स लगा दिया गया। और अब ये बड़े अफसोस की बात है कि आपने इस आइटम पे टैक्स लगाया पर था इससे हमारे मुरादाबाद के आर्टिकल मुरादाबाद के आर्टिकल का काम चल रहा है। अभी यह क्या होता है जो मंदिरों का हमारे जाति श्रद्धा के तौर पर वो लोग वहाँ पे ग्रास का आइटम इस्तेमाल करते हैं, सबको मालूम है शादी ब्याह में देते हैं चीजें, अब वो लोग टैक्स दे रहे हैं खाना, पूरा बिजनेस चौपट हो गया। आपका कहने का मतलब है विकास और विकास अगर चाहिए बिजली चाहिए तो कितने की सरकार चाहिए आप? इससे पहले को जीएसटी को जो 18% था इसको 5% 5% जीएसटी और सस्ता GSTR1 GSTR3 हम आप यहाँ पर इनसे और भी जानकारी लीजिए, हम आपको अभी और भी आप रूबरू होंगे जनता से, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया और मुरादाबाद विधानसभा सीट की आज हम बात कर रहे हैं और जनता का मूड जान रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल करके भी उसके 12 घंटे के अंदर मेरे कॉल में जवाब आ गया। ये तो काफी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया, ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे,
विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर दी उसके 12 घंटे के अंदर मेरे कमरे में 100 रुपए की। ये तो काफी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पांस आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रणबेरी एट द रेट 2022 में बात कर रहे विधायक जी ने क्या किया, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी आप प्रभारी संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? जहां पर टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर टॉयलेट के इंतजाम नहीं होते थे, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर लैब नहीं होते थे, ऐसे सरकारी स्कूलों में आज एयर कंडीशन कमरे बनवाने का काम, स्विमिंग पूल का निर्माण कराने का काम, एथलीट और हॉकी के ग्राउंड बनाने का काम, विश्व स्तरीय शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में किया, और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा समाज के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को हुआ। दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, और पहले जाकर पूछ लीजिए मजदूर वर्ग की माताएं बहनें जो मजदूरी का काम करती थी या दूसरे के घरों में जाकर काम करती थी, उनका महीने का 1000-1500 रुपए सिर्फ और सिर्फ बस के किराए में खर्च होता था। एक ऑटो वाले की बेटी, एक रिक्शे वाले की बेटी, एक झुग्गी में रहने वाले की बेटी, स्कूल और कॉलेज अगर उसको बस से जाना पड़ता था तो बाप को अपनी जेब देखनी पड़ती थी कि किराए का इंतजाम है कि नहीं है, बेटी हमारी कॉलेज बस से जा पाएगी या पैदल जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा जब फ्री की तो सबसे ज्यादा इसका फायदा समाज के गरीब तबके को, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को हुआ। दिल्ली की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करती है, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवा फ्री होती है, इलाज फ्री होता है, 30 दिन के बाद अगर ऑपरेशन की डेट मिल रही हो तो सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करा लो, पैसा केजरीवाल जी की सरकार देती है। इसका भी सबसे ज्यादा फायदा समाज के वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, गरीब तबके को हुआ। तो बहन जी से मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मायावती जी आप कृपा करके जाइए दिल्ली, जाइए झुग्गी बस्तियों में, जाइए वहां पे जो अनऑथराइज कॉलोनीज के एरिया है वहां पर जाइए,
जाइए दिल्ली के लोगों से मुलाकात कीजिए और पूछिए कि दिल्ली की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बना रही है या नहीं बना रही है। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने कहा हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों में संविधान की शिक्षा दे रहे हैं, देश की पहली सरकार है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि आज आप इतनी बड़ी रैली में, स्वर्गीय कांसीराम जी की स्मृति में जो रैली का आयोजन हुआ उसमें आप आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब का संविधान सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला लेती है और समाज के वंचित शोषित दलित वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। जाइए और दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, तब सवाल खड़ा कीजिए। और यहां पर यूपीआ प्रभारी संजय सिंह को आपने सुना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाकर सरकारी स्कूलों को देखें जहां पर शिक्षा बहुत बेहतर हो गई है। और यहां पर आज हम रणभेरी में बात कर रहे थे विधायक जी ने क्या किया, हमारे साथ हमारे संवाददाता और हम भी लगातार जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम आपको रणभेरी 2022 में उन तमाम विधानसभाओं से रूबरू करा रहे हैं और जनता का मूड बता रहे हैं कि जनता 2022 में क्या सोच रही है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले, पुर स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार, अरे छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस